Hello kids, today we are going to start with the revision of chapter number 9 and chapter number 10. So let's start with chapter number 9. Chapter number 9 is A Bicycle in Good Repair. So there is this author, Jerome K. Jerome, author hai, and he and his friend decide to go on a long bicycle ride in the morning. And the next morning and the author is very happy because he thinks that the cycling is very good for health. So he reaches on time at the place they decided. And the friend had come half an hour late. He was half an hour late and acted like as if the author had come earlier, before the time. So they are just... they have just reached and about to go. Suddenly the author's friend, jo author ka friend hota, he sees the bicycle and he says that your front tire is wobbling. Wobbling means hil raha hai bahut. So the author is quite sure that it is not wobbling, but the author's friend is saying that it needs a repair, and he starts opening all the parts of it. Jab wo पहले निकाल देता है, टायर निकाल देता है, एंड द ऑथर वॉज श्योर कि उसकी बाइसिकल ठीक है, बट स्टिल द ऑथर्स फ्रेंड स्टार्ट्स रिपेयरिंग इट. एंड देखते ही देखते वो सारे उसके सारे बॉल बैरिंग्स भी निकल जाते हैं. बॉल बैरिंग्स आर द राउंड सर्कल बॉल्स ऑफ मेटल विच आर फिट इन टू द साइकिल सो दैट इट कैन मूव. सो सडनली उनका जो फ्रेंड होता है वो बोलता है क्विक क्विक तुम जल्दी ये सारे उठा लो, वरना इसके बिना तो ये ठीक ही नहीं होगी. तो जो ऑथर होता है वो अपनी कैप में सारे बॉल बैरिंग्स उठा लेता है और फिर वो उसको देता है. फिर बाद में वो ठीक करते करते वो ये बोलता है कि तुम्हारे तो गियर केस भी ख़राब है, तो वो गियर को भी ठीक करने लगता है. और फिर ऑथर जानता था कि ये सब ठीक है, पर वो अपने फ्रेंड को मना नहीं कर पा रहा था. उसकी एक हैबिट थी कि वो अपने फ्रेंड को मना नहीं कर पाता था, तो वो अपने फ्रेंड को मना नहीं कर पा रहा था. देन वो मन में ही बोल रहा था कि इसको रोको रोको, पर वो खुद को बोल नहीं पा रहा था. वो उसके फ्रेंड को बोल नहीं पा रहा था कि तुम मत करो और तुम्हें ये आता भी नहीं है. फिर जो ऑथर का फ्रेंड होता है उसने चेन भी निकाल दी होती है, तो जब वो चेन लगाता है तो पहली बार में वो इतनी टाइट चेन को लगा देता है, साइकिल की चेन को इतनी टाइट लगा देता है कि वो साइकिल चल ही नहीं पाती, बाइसिकल जो है वो आगे ही नहीं बढ़ती. और फिर वो फिर से उसको ठीक करता है, और फिर वो दूसरी बार लगाता है तो इतनी ज़्यादा ढीली होती है कि वो फिर भी नहीं चलती. और फिर तीसरी बार वो कैसे भी करके उसको थोड़ा नॉर्मल करता है, सही लेवल पे लाता है, और फिर बाइसिकल चलती है. पर उसने और भी सारे पार्ट्स निकाल दिए थे, उसने फ्रंट टायर भी निकाल दिया था. तो वो जब फ्रंट टायर भी वो लगाता है और सारे पार्ट्स थोड़े थोड़े थोड़ी जैसे तैसे करके उसने ठीक कर दी थी. तो ऑथर देखता है कि पहले तो जो साइकिल का बाइसिकल का जो टायर था आगे का वो वॉबल नहीं कर रहा था, पर अब वो वॉबल करने लगा था, अब वो हिलने लगा था. मतलब उसने ठीक करने के बजाय जो ठीक थी उसको उसने बिगाड़ दिया था. फिर जो ऑथर होता है, अभी वो सुबह निकले थे और अब बज चुके थे एक, इट वॉज वन इन द आफ्टरनून. एंड देन द ऑथर्स फ्रेंड इज ऑथर इज सेइंग के यू कैन गो एट द बैक साइड ऑफ द किचन एंड यू कैन गेट वॉश योर हैंड्स. जो उसने ठीक किया था उसके हाथ पे गंदगी लग गई थी, तो वो बोलते हैं ऑथर कि तुम वहाँ पे अपने हाथ पैर धो सकते हो. और वो हाथ पैर वहाँ पे धो लेते हैं, और फिर वो ऑथर के फ्रेंड जो है वो चला जाता है. और जब वो ऑथर अपनी साइकिल को देखता है तो इट वॉज इन द वर्स्ट कंडीशन, बहुत ही बुरी कंडीशन में थी. वो पहले अच्छी थी और अब वो पूरी बिगड़ चुकी थी. ऐसा लग रहा था उसको किसी ने बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी हो. आई होप एवरीवन has understood this chapter number 9. Now let's move on to chapter number 10, that is A Story of a Cricket. So this is the story about the cricket, how is the game and what is the origin of the game.
सो ये एक ऐसा गेम है, बहुत सारे ऐसे गेम्स में से एक ऐसा गेम है जो बैट और बॉल के साथ खेला जाता है, जो कि 500 साल पहले से चलता आ रहा है. ये आया है इंग्लैंड में से. एंड पहले ये जो बैट था, वो बैट का स्ट्रक्चर ऐसा था कि वो नीचे से कर्व्ड था, पर अभी वो स्ट्रेट हो गया है ताकि जो बैट्समैन है उसको प्रॉपरली वो प्रॉपरली हिट कर सके, और बॉलर को भी अच्छे से जब वो बॉल करे तब वो प्रॉपरली बॉल कर सके. क्रिकेट में सबसे इंटरेस्टिंग होता है टेस्ट मैच. टेस्ट मैच कभी कभार 5 डेज तक चलता था, और 5 डेज के बाद भी मैच ड्रॉ हो जाते थे. मतलब ये फुटबॉल जैसा नहीं होता था कि हाफ एन आवर या 1 आवर में ख़त्म हो जाए, 1.5 आवर में ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं था. कभी कभी टेस्ट मैच 5 डेज तक चलते थे और फिर भी जो रिजल्ट आता था वो ड्रॉ आता था. और जो क्रिकेट का ग्राउंड होता है वो बाकी सारे गेम्स के ग्राउंड के कंपेयर में कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज़ बाकी सारे में हम ग्राउंड देखते हैं, प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए, सर्कुलर और ऐसा सब. बट क्रिकेट में कैसा भी चलता है ग्राउंड, खाली उसमें पिच देखी जाती है, दैट शुड बी 22 यार्ड्स. 22 यार्ड्स की पिच होती है, और बाकी जो ग्राउंड है उसका जो एरिया है वो नहीं देखा जाता. मतलब ग्राउंड का शेप नहीं देखा जाता, वो किस भी साइज का, किसी भी शेप का हो सकता है, वो मैटर नहीं करता. अनलाइक हॉकी एंड फुटबॉल, इट कैन बी ओवल ऑल्सो. सो देर आर सम रूल्स ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. क्रिकेट के जो टूल्स हैं उसके भी रूल्स होते हैं. जो स्टंप है वो 22 इंच हाई होना चाहिए, जो बॉल है वो 6 इंचेस की अक्रॉस होनी चाहिए, और उसका जो आउंस है, वो जो वेट है उसका 5 to 6 ounces होना चाहिए. सो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट इज दैट सबसे पहले पारसीज की जो एक टीम थी, वो पारसीज ने सबसे पहले ब्रिटिश के कॉन्टेक्ट में आए और उन्होंने सबसे पहले खेलना शुरू किया, बिकॉज दे वर मच इंटरेस्टेड इन टू ट्रेड. ट्रेड एंड बिजनेस में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो वो सबसे पहले कॉन्टेक्ट में आए ब्रिटिशर्स के और उन्होंने सबसे पहले खेलना चालू किया, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब एंड ओरिएंटल क्रिकेट क्लब. एंड दे वर ऑल स्पॉन्सर्ड बाय द बिग बिजनेसमैन लाइक टाटाज एंड वाडियाज. वो जो बिग बिजनेसमैन होते थे उनसे उनको स्पॉन्सरशिप मिलती थी, जबकि व्हाइट क्रिकेट एलियट जो था इंडियन इंडिया का, उसने कोई भी पारसीज को कोई भी हेल्प नहीं की थी. इनफैक्ट जो बॉम्बे जिम खाना था, जो क्रिकेटर्स थे बॉम्बे जिम खाना के, और जो पारसी क्रिकेट क्लब था, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता था कि जो पब्लिक पार्क है वो कौन यूज़ करेगा. इस तरीके से उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था. फिर एक मैच में पारसी ने बॉम्बे जिम खाना को हरा दिया इन 1889. एंड आफ्टर जस्ट आफ्टर दैट आफ्टर 4 ईयर्स द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हैपन्ड इन 1885. सो इन 1932 इंडिया एंटर्ड द टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट मैच, उसमें एंटर किया. एंड अ डिकेड मीन्स आफ्टर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स अराउंड इट बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन. उसके बाद ही इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन. सो दिस हैज स्टार्टेड बिफोर आवर इंडिपेंडेंस. आफ्टर दैट टेलीविजन हैड एनकरेज्ड अ लॉट. टेलीविजन हैड ब्रॉट अप द क्रिकेट आउट अ लॉट. मतलब उसने इतना क्रिकेट को उभारा टेलीविज़न की वजह से. लोग जो दूर दूर रहते थे वो कमेंट्री सुन के वो उसको जान पाते थे, और जो बच्चे थे वहाँ जो दूर दूर रहते थे वो भी अपने जो स्टार, अपने जो आइडल क्रिकेटर होते हैं उसको देख के सीख पाते थे, उनको इमिटेट कर पाते थे, मतलब उनकी एक्टिंग कर पाते थे, और इस तरीके से वो सीखते थे. तो टेलीविज़न का बहुत बड़ा हाथ था, बिकॉज़ इंडिया में सबसे ज़्यादा व्यूअर्स हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा मैच देखने के, क्रिकेट देखने के व्यूअर्स हैं, क्रिकेट देखने वाले व्यूअर्स हैं,
तो जो ग्रेविटी है वो शिफ्ट हो गई थी साउथ एशिया में, एशिया में शिफ्ट, साउथ एशिया में शिफ्ट हो गई थी। और क्या शिफ्ट हुआ, वॉज जो शिफ्ट हुआ वॉज आईसीसी हेडक्वार्टर्स जो लंदन में थे वो शिफ्ट होके दुबई में आ चुके थे। पहले जो फर्स्ट थे लाइक 150 ईयर्स अगो जो क्रिकेटर्स थे, पारसीज थे, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, उनको अच्छा पेमेंट नहीं मिलता था, उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं थी। पर आज का आप देखोगे तो आज के जितने भी क्रिकेटर्स हैं दे आर गेटिंग वेरी मच पेड, दे आर द बेस्ट पेड क्रिकेटर्स इन द होल कंट्री। बहुत ही अच्छा पेमेंट मिलता है उनको फॉर देयर परफॉर्मेंस, एंड दे आर ऑल्सो कमिंग इन एड्स एंड एवरीथिंग, सो दे आर वेरी फेमस। एंड दिस डिडन्ट चेंज सडनली, ये सडनली चेंज नहीं हुआ, फ्रॉम स्मॉल स्मॉल चेंजेस, वेरी स्मॉल स्मॉल चेंजेस, इट हैज कम टू दिस लेवल दैट द क्रिकेटर्स आर नॉट स्ट्रगलिंग नाउ। छोटे छोटे चेंजेस जैसे वो क्रिकेट मैच में बॉम्बे जिम खाना को हराना, और फिर टेलीविजन का रोल, और बहुत ही सारे बहुत ऐसे छोटे छोटे चेंजेस थे जो कि अब इस लेवल पे जाके क्रिकेटर्स को फायदा दे रहे हैं। इस चेंज क्रिकेट के फील्ड में जो चेंज आया है उसकी वजह से इंडिया को बहुत बेनिफिट मिला है, ग्लोबली भी, कॉमर्स ग्लोबल कॉमर्स में भी और टेक्नोलॉजी में भी बहुत फायदा हुआ है। सो क्रिकेट हैज बिकम अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इंडियाज लाइफ। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर नंबर 10, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट एंड द प्रीवियस चैप्टर दैट वॉज अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। आई होप बोथ द चैप्टर्स आर वेरी क्लियर टू यू।